de la punta. हेलो गाइस, वेलकम टू फिट एसोसिएट चैनल। तो बेसिकली आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि सेकंड डे हमें जिम पे क्या क्या वर्कआउट करना चाहिए। तो आज बेसिकली ये है कि हम बैक और बाइसेप पे फोकस करेंगे, क्योंकि फर्स्ट डे पे हमने चेस्ट और ट्राइसेप पे फोकस किया था। बेसिकली आपको बताने जा रहा हूँ कि कौन कौन से एक्सरसाइज परफॉर्म करना है और कितने सेट परफॉर्म करना है। तो आप वीडियो में बने रहो, तब तक ले स्टे ट्यून। बेसिकली आज हम लोग ये, जैसे मैंने बताया कि बैक के लिए हम लोग वर्कआउट परफॉर्म करेंगे, तो फर्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि फर्स्ट आप पुलअप बार से परफॉर्म करना, और उसके बारे में आपको पोजीशन वगैरह सारा कुछ बताऊंगा। तो आप वीडियो में बने रहो कि मैं पुलअप कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ। तो पुलअप परफॉर्म करने जा रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि पुलअप के लिए कौन कौन से आपको पोजीशन कैसे, मतलब हाथ को कंट्रोल करना है। तो फर्स्ट आप ये जो भी आपका पुलअप बार रहेगा, तो आप अपने हाथ को अच्छे से लॉक कर लेना इस एंगल में, और अपने आप को धीरे धीरे पुल करना। तो अब हम, जैसे मैंने बताया आपको कि पुलअप परफॉर्म करना है, तो पुलअप का आप 3 सेट ले सकते हो। और फर्स्ट मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप 12 से पुलअप करना। अगर नहीं होता है तो आपसे जितना मैक्सिमम जाता है उसका आप कंप्लीट करना 3-3 रेप। जैसे आपसे 5 जाता है तो आप 5 का 3x सेट लेना। तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि लैट पुल डाउन कैसे परफॉर्म करना है। तो लैट पुल डाउन के लिए आप ये ध्यान देना कि स्टार्टिंग में आप वेट कम करना, क्योंकि आपको यूज टू नहीं हो आप तो जिम के लिए। तो आप ये ध्यान देना कि आप जैसे भी हो लाइट वेट के साथ करना, ताकि आपको अच्छा मसल माइंड कनेक्शन मिले और आपको मतलब इंजरी वगैरह भी ना हो, और आप आराम से धीरे धीरे लाइक वेट कंट्रोल करना सीख जाएं। तो आप ये ध्यान देना कि मेरा हाथ यहाँ पे है, लाइक मैं जहाँ पे बेंड हो रहा बार वहाँ पे आप रखना, और अपने आप को पीछे के साइड में लॉक कर लेना और आगे से पूरा ग्रिप लगा लेना, और धीरे धीरे पुल करना इसको नीचे आके 1 सेकेंड होल्ड, फिर धीरे से ऊपर रिलीज, फिर 1 सेकेंड होल्ड रिलीज। तो अब हम लोग बात करेंगे केबल रो के बारे में। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कैसे कैसे परफॉर्म करना है। तो आप केबल रो में आप अपने हाथ को नीचे के साइड प्लेस करना, और इसको अच्छे से पीछे लॉक होके, और ये अपने बेली बटन के साइड पुल करना, और पीछे आके 1 सेकेंड होल्ड। आप इससे देख सकते हो कि मिड बैक मेरा अच्छे से स्क्वीज हो रहा है, और आगे आते वक्त हल्का सा मैं बेंड हो रहा हूँ, जिसमें हल्का लैट एंगेज होगा। तो बताने जा रहा हूँ डंबल रो कैसे परफॉर्म करना है, और कैसे कैसे आपका हाथ का प्लेसमेंट रहेगा, और डंबल का कैसे कैसे मूवमेंट होगा, वो सारा कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, तो आप देखते जाओ। तो फर्स्ट आपको ये करना है कि आप अपने शोल्डर के स्ट्रेट में आप ला देना अपना लाइक हैंड को। तो और सेकेंड अपना जो है डंबल ग्रिप कर लेना, और जितना हो सके आप नीचे के साइड लाना, और ऊपर आके 1 सेकंड होल्ड और स्क्वीज करके नीचे धीरे से लाना। हम लोग बात करने जा रहे हैं बाइसेप के बारे में, कि बाइसेप में कौन कौन से वर्कआउट परफॉर्म करना है, ताकि आपको बाइसेप भी अच्छे से फील हो। और जैसे हमारा डे टू का भी सीरीज चल रहा है, तो उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि आपको बाइसेप में कौन कौन से एक्सरसाइज लेनी है। और ये तो आप देख सकते हो मैं खाली रॉड यूज़ किया हूँ, और आपको लाइक कैसे परफॉर्म करना है बता रहा हूँ। जब भी आप ऊपर लाओ तो आपका हाथ ये एल्बो से थोड़ा सा आगे रहना चाहिए, और शोल्डर से थोड़ा आगे रहना चाहिए, और नीचे जाते वक्त धीरे से ऊपर आते वक्त स्क्वीज करना आपको, और नीचे कंट्रोल में। और ये ध्यान देना कि आपको वेट लाइक ज़्यादा जर्क नहीं करना। तो ऐसे वार्म अप हमारा जो कंप्लीट हो गया फिलहाल, तो अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज के लिए बाइसेप केबल रोप के बारे में। तो मैं बता रहा हूँ आपको हाथ का अलाइनमेंट कैसा रहेगा। आप ये स्टार्टिंग से देखना कि आपका हाथ फ्रंट में जैसे शोल्डर से थोड़ा सा आगे रहेगा, और ऊपर आते वक्त स्क्वीज करना, और वेट अपने से थोड़ा नॉर्मल रखना, क्योंकि आपका फर्स्ट डे है तो आप ज़्यादा वेट नहीं उठा पाओगे।
ऊपर आके स्क्वीज करके धीरे धीरे रिलीज करना। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके रेप के बारे में, वो है 15 और 12 और 10 के बारे में। जब आप रेप कम करते हो तो आप इसमें वेट थोड़ा इंक्रीज़ कर लेना, और जितना आप मतलब इतना ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करना, उतना ही आप इंक्रीज़ करना जितना आपसे वेट उठ पा रहा है। टीचर गर्ल के बारे में, वो है मतलब काफ़ी हमें हेल्प करता है बाइसेप को पीक देने में, और मैं आपको बताऊंगा प्रीचर गर्ल कैसे परफॉर्म करना है। तो बेसिकली आप प्रीचर गर्ल पे अगर ये मशीन है तो आप यूज़ कर सकते हो, और ऊपर जब भी लाओ तो आप स्क्वीज करना, और आपका बाइसेप अच्छे से अलाइनमेंट होना चाहिए। तो आप नीचे जाओ, धीरे से रिलीज करना, फिर ऊपर आना। इसका भी आप 3 सेट ले सकते हो, लाइक 15, 12 और 10 का। जब भी आप वेट लाइक इंक्रीज करें तो आप रेप थोड़ा कम कर लेना, ताकि आपको अच्छे से रेंज कंप्लीट हो। और मैं लास्ट अब बात करने जा रहा हूँ, वो है हैमर कर्ल के बारे में। हैमर कर्ल काफ़ी हेल्प करता है हमारे फोरआर्म को और आउटर बाइसेप को ग्रो करने में। तो हैमर कर्ल कैसे परफॉर्म करना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ, और उसका भी 7 सेट लेना है। तो अब हम हैमर कर्ल के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वो चीज़ है कि हैमर कर्ल में हमें डंबल ले लेना है, और हाथ को लाइक ये देख लो, मैं हाथ कैसे परफॉर्म कर रहा हूँ, लाइक हल्का सा आगे रहेगा और ऊपर आके स्क्वीज करना। तो आप देख सकते हो आउटर बाइसेप मेरा स्क्वीज हो रहा है और फोरआर्म का अपर पार्ट स्क्वीज हो रहा है। आपको दोनों कंप्लीट करना है। और जब भी ये आप परफॉर्म करो तो ये ध्यान देना कि आप डंबल का ग्रिप अच्छे से पकड़ना पूरा टाइट से, ताकि आपको ज्यादा फील हो। तो डे 2 का वीडियो यहीं पे कंप्लीट होता है, और जो था बैक और बाइसेप का वर्कआउट। और डे 3 का वीडियो मैं जल्दी लाऊंगा। तो आप चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको नया वीडियो का अपडेट मिले। और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ देना कि मेरा वीडियो कैसा लगा, और एक लाइक भी छोड़ देना ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले, और नया वीडियो मैं जल्द से जल्द लाने की कोशिश करूँगा। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।